जितने भी रिलेशन टूटे हैं या जितनी भी लड़ाइयाँ हुई हैं इस दुनिया में, तो वो किसी ना किसी की ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए ही ये सब होता है। ईगो होती है वहाँ पे कोई रिलेशनशिप ही नहीं रहता है, नहीं बचेगा, क्योंकि वहाँ पे आपकी ईगो आ जाती है। ईगो की वजह से आप उनकी फीलिंग्स को नहीं समझ पाते हो, आप हर सिचुएशन में अपने आप को ठीक मानते हो, आपको लगता है कि आप गलत हो ही नहीं, गलत दूसरा है। इस तरह से आपके रिश्तों की स्वीटनेस भी खत्म हो जाती है। जहाँ ईगो होती है वहाँ पीस ऑफ माइंड भी नहीं होते, क्योंकि हमेशा आप टेंशन में ही रहते हो। ईगो की वजह से अगर आप हर्ट हो जाते हो किसी से, तो आपको लगता है नहीं, मुझे इसको इसका बदला लेना ही लेना है। हाँ, ईगो होती है ना, वहाँ आपके पास नॉलेज भी नहीं आता है, आपको लगता है नहीं, आपको सब कुछ आता है, आपको कुछ भी और सीखने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर ईगो जन्म लेती है तो आप अपने आप को मतलब महान, आप अपने आप को महान समझने लग जाते हो, आपको लगता है जो कुछ हूँ मैं ही हूँ, मेरे से बढ़कर कोई कुछ है ही नहीं है। कुछ नई चीज़ सीखने की आपके अंदर से ख्वाहिश ही खत्म हो जाती है, क्योंकि आपको लगता है मैं बिल्कुल परफेक्ट हूँ, और यहाँ से आपकी क्रिएटिविटी भी खत्म हो जाती है। ईगो है क्या चीज़? मतलब हमारा सब कुछ छीन के ले जाती है ये ईगो, लेकिन क्या ईगो, क्या हमारे अंदर ईगो है? हम ये किस तरह से देखेंगे, किस तरह से हमें पता चलेगा कि हम हमारे अंदर जो है वो ईगो का एक कीड़ा अंदर आ चुका है? अगर कोई अच्छा करता है तो आपको जलन होती है, तो समझ लें कि बस आपके अंदर ईगो जो है वो आ चुकी है। उन लोगों के बीच में आप अपने आप को रखो जिनको आपसे ज़्यादा नॉलेज है। आपके लिए हो सकता है ये काफ़ी मुश्किल हो, क्योंकि ईगो जो है वो हमेशा यही चाहती है कि आप बेकार लोगों के बीच में बैठ के और आप अपने आप को जीनियस समझते रहें। कोशिश पर हमेशा ध्यान रखो, ना कि रिजल्ट के ऊपर, क्योंकि अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा, अच्छे से कोशिश की होगी, तो आपका रिजल्ट भी अच्छा आएगा। लेकिन अगर आपने रिजल्ट के ऊपर फोकस करके रखा होगा कि मेरा रिजल्ट अच्छा आएगा, तो अब रिजल्ट तक पहुंचना कैसे है वो सब आप भूल चुके होंगे, और आपको पता भी नहीं होगा कि मैं वहां तक कैसे पहुंचूं, तो आपका रिजल्ट भी अच्छा नहीं आएगा। हमेशा आप कोशिश करें, हार्डवर्क करें, जितना आप हार्डवर्क कर सकते हैं उतना करें, और बाकी आप खुदा पे छोड़ दें, क्योंकि खुदा जो है वो कभी भी किसी की मेहनत को ज़ाया नहीं करता है। बातें करें लेकिन काम ज़्यादा करें। किसी को अगर आप बोलते हो तो उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा, बट अगर आपको कोई बोलता है, आपकी ईगो हर्ट होती है, तो वो उसको वो करके दिखाएं जो चाहता है कि वो ये नहीं कर सकता। अगर आपको कोई हर्ट करता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी ईगो आती है, आप अपनी ईगो को बीच में लाएं उसको हर्ट करने के लिए, ना कि जिस वजह से उसने आपको हर्ट किया है उस तक आप पहुंचे। तो ऊपर कभी भी फोकस मत करें, बल्कि हमेशा हमेशा सोल्यूशन पर फोकस करें कि किस तरह से मुझे इस प्रॉब्लम से बाहर निकलना। अगर आप सिर्फ प्रॉब्लम के बारे में ही सोचते रहेंगे, तो आप एक प्रॉब्लम में ही खुद ही प्रॉब्लम बन के रह जाएंगे। कभी आप ये नहीं कर पाएंगे कि मुझे बाहर कैसे निकलना है। हमेशा अपने आप को बिगनर समझ, आप हमेशा अपने आप को बिगनर समझ के रखो। आजकल जो मेन प्रॉब्लम आ रही है, देखिए कितने सारे मर्डर हो रहे हैं यहाँ पे, ना जाने कितने सारे लोगों के घर खत्म हो रहे हैं सिर्फ इस ईगो की वजह से। अगर किसी ने यहाँ पे, जब से सोशल मीडिया आया है, तब गलत, कुछ लोग तो इसको अच्छे से यूज़ कर रहे हैं और कुछ इसका गलत फ़ायदा उठा रहे हैं। अगर किसी ने कोई कमेंट कर लिया, तो उसको फिर उसी में ही फंस के रह जाएंगे, वो पूरा दिन अपना वेस्ट कर देंगे, लेकिन ये नहीं सोचेंगे कि इसे उससे आपको मिलेगा क्या, कुछ भी नहीं आपको हासिल होने वाला है। आपका ईगो यही समझता है कि आप बातों से लोगों को हरा सकते हो, बट ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता। आप किसी को बातों से हरा नहीं सकते हो। क्या करोगे, किसी को गालियां दोगे? तो गालियां अगर दोगे किसी को, तो क्या होगा? मतलब क्या आप अपने आप को क्या प्रूव करके दिखाओगे? आपकी जो ईगो होती है वो हमेशा ये समझती है कि आप किसी को बातों से हरा सकते हो, क्योंकि वो कुछ क्रिएटिव कर ही नहीं सकता। जो बंदा सिर्फ बातें करेगा ना, वो कभी भी कुछ भी बड़ा नहीं कर पाएगा। कुछ लोगों के अंदर स्टेटस की वजह से भी काफ़ी ईगो हो सकती है, लेकिन वो स्टेटस उनका कभी अपना नहीं होता। हो सकता है उनकी फैमिली बैकग्राउंड हो ऐसी, वो अपने फैमिली के स्टेटस की वजह से भी अपने अंदर ईगो रखते हैं। वो आपकी फैमिली का स्टेटस है, आपका नहीं है। जो आपके पास है वो देखें, आपने क्या अचीव करा है। कल को अगर आपकी फैमिली आपको घर से बाहर निकाल देती है, तो क्या वो सब आपके काम आने वाला है? तो फिर आपने कंट्रोल नहीं किया ना, तो आप अपनी बर्बादी खुद लिखेंगे। आप रियलाइज करवाते रहें कि नहीं, मुझे जो भी करना है वो खुद करना है, मुझे इससे भी आगे निकलना है, और मुझे खुद ही ये लड़ाई लड़नी है। अगर आपको अपनी लाइफ में सेटिस्फेक्शन चाहिए, तो आपको खुद करना पड़ेगा। फैमिली के स्टेटस को माइंड में सोच सोच के ही खुश होते रहोगे। सब चीज़ें, क्योंकि ईगो आपकी हमेशा यही चाहती है कि जो भी चीज़ें हों वो आपके कंट्रोल, वो आपके हिसाब से हों। तो जब वो उस हिसाब से नहीं चलती, ये दुनिया आपके हिसाब से नहीं चलेगी, और जब ऐसा नहीं होता है, तब आपकी ईगो हर्ट करती है, तब आपको ईगो तब आपकी ईगो हर्ट होती है। और जब आपकी ईगो हर्ट होती है, तो फिर
मतलब आपकी बर्बादी से ना, आपको बर्बाद होने से कोई भी नहीं बचा सकता है, आप अपनी बर्बादी के लिए खुद रिस्पॉन्सिबल होते हो। क्योंकि ईगो कहता है कि जब तक टाइम मेरे हिसाब से नहीं होगा मैं कुछ भी नहीं करूँगा। जॉब चाहते हो तो उसके लिए आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी, तो तब भी तो आपको वो जॉब मिलेगी। बट अगर आपकी ईगो आ जाती है बीच में तो क्या वो ईगो आपको पढ़ने देगी? क्योंकि आप ईगो ईगो वाला बंदा जो होता है ना, उसको हमेशा यही लगता है कि नहीं मुझे सब कुछ आता है। पैसा, पावर या सक्सेस के जाल में मत फंसो, बल्कि आप अपना पर्पस फाइंड करो कि मुझे क्या करना है लाइफ में। जब आपको पर्पस मिल जाता है ना जीने का, तो तब आपको कितनी भी बड़ी सक्सेस क्यों ना मिल जाए ना, आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। आप मतलब ईगो नाम की कोई चीज़ भी नहीं आएगी आपके अंदर। हमेशा अपने पर्पस पे काम करें, ना कि पैशन के ऊपर काम करें। क्योंकि क्योंकि जो पैशन होता है ना वो हमेशा आपको सेल्फिश बना देता है, बट जो पर्पस होता है ना वो आपको एक जीने की राह बता देता है कि मुझे किस तरह से अपनी लाइफ को जीना है। मेरी जब तक मैं जिंदा हूँ या जिंदी हूँ तब तक मैं मेरी लाइफ का क्या पर्पस है, मुझे क्या करना है, डायरेक्शन दिखा देता है कि आपको किस डायरेक्शन में जाना है। आपके सामने आपकी लाइफ का पर्पस होगा ना, तो आपने ठान लिया होगा कि मुझे इस पर्पस को हासिल करना ही करना है, तो फिर कभी भी पीछे मुड़ के मत देखो। कितनी भी कुछ लोग आपकी लाइफ में आएंगे जो आपको आगे नहीं बढ़ने देंगे, वो आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स को क्रिएट करेंगे। क्यों? क्योंकि उनकी ईगो वहाँ पे हर्ट हो रही होगी, तो वो भी तो उनकी भी तो ईगो हर्ट हो रही है ना, वो क्यों चाहेंगे कि आप आगे बढ़े। तो आपने वहाँ पे अपनी ईगो को नहीं आने देना है, बल्कि आपने उसको आपने अपनी ईगो को वहाँ पे बीच में नहीं आने देना है। आपने अपने सिर्फ गोल पे फोकस करना है, जो आपकी लाइफ का पर्पस है बस उसी पे फोकस करेंगे तो आपको कामयाबी ज़रूर मिल जाएगी एक ना एक दिन। और ये जब आपको ये पता है कि हमारे पास यहाँ पे बहुत कम टाइम है, हमें पता भी नहीं है कि कब हम यहाँ से चले जाएंगे, तो फिर ईगो किस बात की है? फिर ईगो तो आएगी ही नहीं आपके अंदर। अपने आप में देखेंगे कि क्या कमियां हैं आपके अंदर, उनको ओवरकम करने के ऊपर फोकस करें, ना कि लोगों की बातों के ऊपर फोकस करें, ना कि अपनी ईगो को बीच में लाएं। अगर आप अपनी ईगो को बीच में लाएंगे ना, तो आपको कमियां भी नहीं नजर आएंगी, आपको लगेगा शायद आप में कोई ज़रा सी भी कमी है ही नहीं है।